जर्मनी के डसेलडॉर्फ स्टेशन पर उस समय हड़का मच गया जब एक सिरफिरे ने कई लोगों पर हमला कर दिया। सिरफिरे व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से स्टेशन पर मौजूद लोगों पर हमला किया। इस हमले में 7 लोग घायल हुए। इटली के एंकोना में पुल के टूटने से हड़का मच गया। पुल के नीचे कार के आने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। पुल के गिरने के बाद ट्रैफिक पर भी असर पड़ा। हादसे के बाद हाईवे को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। पटाखों से धमाकों में 46 लोगों की जान जाने के बावजूद मैक्सिको में पटाखों के साथ खेल जारी है। यहां के शहर तुल्तेपेक में हर साल मनाए जाने वाले इस समारोह के दौरान जमकर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। ऐसा तब हो रहा है जबकि दिसंबर में क्रिसमस से एक दिन पहले पटाखों की वजह से 46 लोगों की जान गई थी। अमेरिका के हवाई राज्य ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संशोधित ट्रेवल बैन के खिलाफ केस फाइल किया है। हवाई ऐसा करने वाला पहला अमेरिका का राज्य बन गया है। हवाई ने ट्रंप के संशोधित आदेश को पहले जैसा ही बताया है। ट्रेवल बैन का नया आदेश 16 मार्च से लागू होगा, जिसके तहत 6 मुस्लिम देशों के नागरिकों पर 90 दिनों और सभी शरणार्थियों पर 120 दिन तक अमेरिका में एंट्री पर पाबंदी होगी। सीरिया के इदलिब में हवाई हमलों में 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। समझा जा रहा है कि अमेरिका की अगुवाई वाली गठबंधन सेना ने यह हवाई हमला किया था। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि हमले में काफी लोग घायल हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के समंदर से 2 विदेशी नागरिकों की जान बचाई गई। पुलिस के मुताबिक आयरिश और फ्रांसीसी मूल के नागरिक न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। तेज हवा और लहरों की वजह से उनकी याट खतरे पड़ गई, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने उनकी जान बचाई। न्यूयॉर्क के एक म्यूजियम में बम की अफवाह के बाद अफरा तफरी मच गई। म्यूजियम में बम होने की खबर ईमेल से मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने म्यूजियम को खाली करा लिया। 6 मंजिला इमारत की तलाशी लेने के बाद बम की खबर अफवाह निकली। जापान के फुकुशिमा से जंगली सोरों को हटाया जा रहा है। 2011 में आए सुनामी के बाद ये शहर लगभग खाली हो गया था, जिसके बाद यहाँ जंगली सोरों ने कब्जा जमा लिया। लेकिन अब सरकार की कोशिश है कि यहाँ फिर से लोग आए। इसी कोशिश के तहत शिकारियों को जंगली सोरों को हटाने का काम पर लगाया गया है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक आर्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में ड्रग के खिलाफ राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते की जंग को दिखाया गया है। प्रदर्शनी में शामिल तस्वीरों में देश के अंदर मानवाधिकार के हालात को दिखाया गया है। जब से रोड्रिगो राष्ट्रपति बने हैं, तब से अब तक 8,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। आग की चपेट में आकर 30 लोगों की मौत के बाद ग्वाटेमाला के लोग सदमे में हैं। यहाँ के लोगों ने मोमबत्ती जलाकर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। काफी संख्या में लोग सैन जोस पिनोला के उस बाल संरक्षण गृह के बाहर इकट्ठा हुए जहाँ आग लगी थी। बाल संरक्षण गृह में आग लगने से मरने वालों में 22 लड़कियां शामिल थी।